हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं क्योंकि कनिष्ठ सहायक के लिए हमारी मांग है कि शीघ्र जो है परिणाम जारी हो और अभिलेख सत्यापन किया जाए। ठीक है, तो अभी हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी आ चुके हैं, ठीक है, और धीरे धीरे जो है ये एकत्रित हो रहे हैं, है ना। तो हमारे साथ हैं, देखो विवेक हमारे साथ हैं, ठीक है। तो आपकी रैंक क्या है विवेक? सर मेरी रैंक है 29। अच्छा, ठीक है ठीक है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। जी सर, 29 29 रैंक है विवेक की। और तो आज हम किस आशय से यहाँ पर आए हैं? हम इस वजह से आए हैं कि देखिए, हमारा जो ये कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम था, इसकी विज्ञप्ति आई थी 6 मार्च 2020 को। बिल्कुल। उसके बाद डेढ़ साल बाद लगभग 31 अक्टूबर 2021 को हमारा पेपर हुआ। पेपर हो गया था। और 30, 31 मई और 1 जून को हमारी टाइपिंग हुई। हाँ। अब सर 2.5 महीने बीत चुका है और अभी तक हमारी क्या बोलते हैं, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ना ही डीवी की डेट। डीवी की डेट, जबकि जिसका एग्ज़ाम बाद में हुआ था उनका आयोग ने डीवी फटाफट से करवा दिया। हाँ। जबकि हमारी भर्ती बिल्कुल निर्वाधित है, बिल्कुल स्वच्छ है, इसमें बिल्कुल भी आयोग बिल्कुल खामोश बैठा है इस चक्कर में। तो हमारा इसमें देखो यही कहना है कि 2.5 महीने लगभग हो चुके हैं टाइपिंग को भी, और इसमें कोई भर्ती में हमारे विवाद भी नहीं है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसका शीघ्र ही परिणाम जारी हो ताकि, है ना, नियुक्ति जल्दी से जल्दी अभ्यर्थियों को दी जाए। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति देखो सही नहीं है, और यहाँ पे दूर दूर से आज अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं। अभी तक लगभग 20 से ज़्यादा आ चुके हैं और अभी और आ रहे हैं। ठीक है, हमने देखो ये एक ज्ञापन भी तैयार किया है जो कि प्रदेश प्रवक्ता भाजपा जो है रविंद्र जुगरान जी को दिया जा रहा है ना। और कई छात्र ये भी बोल रहे हैं कि देखो जल्दी क्या है, तो ऐसा करके वो डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप आराम से नियुक्ति लें। लेकिन मैंने अभी